यू बनेगा। चलिए, हल जो है नहीं, हल जो है वो खोलने को कहते हैं। आप कोई गांठ खोलते हैं, कोई दरवाज़ा खोलते हैं, कोई चीज़ खोलते हैं। और एक है हिल, हिल हराम के मुकाबले में है कि ये हलाल है, हराम नहीं है। चलिए एक और मिसाल देते हैं ख़ास की। कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहू मिन बादु हत्ता तन्किहा ज़ौजन ग़ैरह। फ़इन तल्लक़हा, अगर तीसरी तलाक दे चुका, इससे मुराद, क्योंकि इससे क़बल है तलाक़ मर्रतान, फ़इम्साकुम बिमारूफ़िन अव तस्रीहुन बिएहसान। तो दो तलाक तो पहले ज़िक्र हो चुकी है, तो ये फ़इन तल्लक़हा से मुराद हो तीसरी तलाक़ है कि अगर तीसरी तलाक़ दे चुका तो फ़ला तहिल्लु लहू मिन बादु, इस तीसरी तलाक़ के बाद उसके लिए ये बीवी हलाल नहीं है। कब तक? गायत क्या है? हिल, हाँ, न होने की, यानी हुर्मत की गायत। हुर्मत कहाँ ख़त्म होगी? हत्ता तन के हज़ौजन गैरा, हत्ता लिलगायत, हत्ता कि ये औरत निकाह करे। ही ज़मीर है तन के हमें, मुअन्नस का सीगा है। हत्ता कि ये औरत निकाह करे ज़ौजन गैरहू, एक ऐसे ज़ौज के साथ जो गैर है पहले वाले ज़ौज। ये गैर सिफ़ती है, ज़ौजन गैरहू ज़ौजन के लिए सिफत है। ऐसे ज़ौज के साथ निकाह करे जो पहले वाले ज़ौज का गैर है, यानी दूसरे से निकाह करे। और दूसरे से निकाह का भी मतलब वही हलाल हुआ, लेकिन उस निकाह से मुराद है जिमा। हत्ता तन के हा ज़ौजन गैरहू, हत्ता कि वो निकाह करे एक ज़ौज से, तो वो उसका ज़ौज हो गया ना। तो जब उसका ज़ौज हो गया तो ज़ौज फिर अपनी बीवी से क्या काम करता है? इसलिए बग़ैर जिमा के पहले वाले ज़ौज के लिए जाय और तलाक़ देने के जायज़ नहीं होगी कि वो ज़ौज उसके साथ जिमा भी करे, फिर तलाक़ दे, फिर इद्दत गुज़रे, तो फिर आकर इसके लिए हलाल हो। क्या इसमें अगर वो पहले नियत ये रख ले कि मैं ये दूसरी शादी कर रही हूँ, ये पहले वाले के साथ वापस आने, निकाह में आने के लिए कर रही हूँ, तो इस तरह भी वो हलाल? नियत से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तलफ़ुज ना हो, शर्त ना लगाए जुबान से, हाँ, कि भाई आपसे मैं निकाह कर तो रही हूँ, लेकिन ये मेहरबानी फरमाएं कि बस जिमा हो जाए तो फ़ौरन तलाक दे देगा। ये अंडरस्टैंडिंग जो है, ये अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए, लेकिन अल्फाज की दुनिया में ये नहीं आना चाहिए। बस लोग ये कारोबार ही ऐसा करते हैं, हाँ, नहीं नहीं, ये इस तरीके से अगर करता है तो हुजूर ने फरमाया कि लअनल्लाहुल मुहल्लिल वल मुहल्लल लहू, मुहल्लिल और मुहल्लल लहू दोनों पर अल्लाह की लानत। तो ये लानत जो फरमाई है ये इस शर्त के साथ कि अगर शर्त हलाला लगा दी जाए कि भई ये निकाह तो कर रहे हैं हम, लेकिन ये हलाले की नियत से करते हैं, हलाले के लिए करते हैं, तो नहीं, हराम नहीं है, लेकिन गुनाह है, यानी फिर भी हलाला हो जाएगा। हाँ, अगर वो बाद में तलाक़ दे देगा तो तलाक़ भी हो जाएगी, इद्दत भी गुजर जाएगी, इसके लिए हलाल भी हो जाएगी, सारा कुछ हो जाएगा, लेकिन मासियत है चूँकि इसके ऊपर वाईद आई है। तो जिस तरह तीन तलाक़ आप दें तो वाक़ तो हो जाएगी, लेकिन मासियत है, गुनाहगार भी हो गए। हैज़ में आप तलाक़ दें तो वाक़ तो हो जाएगी, लेकिन मासियत है, गुनाहगार भी हो जाओ। समझ में आ गई? तो इस तरीके से बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं कि काम तो हो जाता है लेकिन करने वाला गुनाहगार हो जाता है, तो ये मासियत है।
तो ये जो हदीस है, ये हलाल लानल्लाहुल मुहल्लल वल मुहल्लल, ये इसके लिए है कि अगर बशर्ते हलाला निकाह हो जाए तो उसके लिए, अगर शर्त ना हो। वैसे अंडरस्टैंडिंग है, नियतों में है रहे। भाई ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, इंसान को अल्लाह तबारक व तआला मुकल्लफ करता है अपने वुसअ के मुताबिक। अब ये बात दिल से कैसे वो निकालेगा कि मैं इस नियत में, मैं ये निकाह तो कर रहा हूँ लेकिन तलाक नहीं दूंगा, रखूंगा इसको, जबकि उसके दिल में ये पक्की बात है कि भाई ये मैं सिर्फ उसके हलाले के लिए ये निकाह। तो ये बात चीज़ें ऐसी होती हैं, वो फितरी होती हैं, वो दिल से नहीं निकल सकती हैं। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला इसका मुकल्लफ भी इंसान को नहीं बनाता है, मुकल्लफ आपको जाहिर का बनाया है, दिली उमूर उसके हवाले हैं, नियात जो है उसका हिसाब किताब उसके पास है, वो जानता है। हमें और आपको अल्लाह ताला ने मुकल्लफ बनाया किसका? हाँ, जाहिर का। तो बस जाहिर नहीं होना चाहिए कि जाहिर होगा तो फिर वो हदीस लागू हो जाएगी, गुनाह हो जाएगा। आई समझ में? अच्छा, अब ये बता रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब ये फरमा दिया कि भाई वो हुरमत की गायत क्या है, हत्ता तन के हज़ाउजन गैरा, हुरमत मुंतही हो जाएगी, किस पर मुंतही हो जाएगी? जब वो निकाह करे ज़ौज के साथ जो गैर हुआ अव्वल का। अब इसमें आप देखें, फरमाते ये हैं कि तन के हा में हे ज़मीर है, मुअन्नस का सीगा है, और वो आयद है उस औरत की तरफ। फैन तल्लका हा, ये जो हा ज़मीर जिस औरत की तरफ आयद है, वही तन के हा की ज़मीर भी उसी की तरफ आयद है। तो ये इसके लिए फ़ाइल है, तन के हा में जो है ये ज़मीर है, फ़ाइल निकाह। किसको बनाया अल्लाह ताला ने? औरत को। निकाह का फ़ाइल। अब निकाह का फ़ाइल कौन होता है? निकाह का फ़ाइल कौन होता है जो ईजाब कबूल बोलता है? निकाह के अरकान जो हैं वो ईजाब कबूल हैं, शाहिदेन उसमें शर्त हैं, अरकान तो ये ईजाब और कबूल हैं। तो जब ईजाब कबूल उसके अज्जा हैं, उसके अरकान हैं, तो ईजाब कबूल बोलने वाले क्या बने? फ़ाइल निकाह। निकाह कर रहे हैं मौलवी नहीं, मौलवी तो बेचारा ऐसा फजूली आया हुआ है, उसको फजूली कहते हैं। हाँ, हकीकत है, इस्तेलाह फुकहा की। अगर उसको मियाँ ने इजाज़त, मियाँ ने इजाज़त नहीं दी या बीवी ने इजाज़त नहीं दी, तो बेचारा फजूली बैठा हुआ है। अब पैसे मिले अलग बात है, पैसे तो वैसे लोग सदका करे दे दे तो दे दे, समझ में आ गई ना बात? तो असल में निकाह के जो फ़ाइल हैं वो ईजाब कबूल करने वाले हैं। एक ने ईजाब किया, दूसरे ने उसको कबूल कर लिया, तो ये ईजाब कबूल करने वाले जो हैं ये फ़ाइल हैं निकाह के। तो यहाँ पर अल्लाह तबारक व ताला ने हत्ता तन के हमें निकाह का फ़ाइल किसको बनाया? औरत को। तो औरत ये ईजाब करेगी या कबूल करेगी, मतलब है कि औरत की इबारत उसमें दाखिल होगी, औरत के अल्फाज, ईजाब भी अल्फाज से होगा, कबूल भी अल्फाज से होगा, समझ आ गई? तो औरत के अल्फाज को यहाँ दखल हो गया, इबारत को। एक रुकन तो निकाह का
ईजाब हो चाहे कबूल हो, औरत करेगी। अगर ज़ौज पहले हो गया और अगर ये पहले हो गई तो इसका ईजाब हो गया, तो या ईजाब या कबूल कोई शे तो करेगी। हाँ ये तो करेगी, तो ये कैसे करेगी? अपनी इबारत से। तो पता लगा कि ये तनकिहा का जो लफ्ज़ है ये ख़ास है। किस माने में? औरत की तरफ से निकाह के इनेकाद में, औरत की इबारत से निकाह के इनेकाद में, कि औरत की इबारत से भी भाई निकाह हो जाता है। औरत की इबारत से, औरत के अल्फाज से भी, समझ में आ गई है, निकाह हो जाता है। इसलिए फरमाया देखें कि वह कज़ालिक क़ौलु तआला हत्ता तन्किहा ज़ौजन ग़ैरहु ख़ासुन फ़ी वुजूदि निकाह मिनल मरअती। देखा कि निकाह मौजूद हो सकता है औरत की तरफ से, यानी औरत की इबारत से, औरत की इबारत से। अच्छा, ये इस माने में ख़ास हो गया। तो जब ख़ास हो गया तो ख़ास का जो हुक्म होगा वही लगेगा कि फ़ला युतरकुल अमलु बिही ला महालता। अब इस पर तो अमल वाजिब है, अमल वाजिब है कि आपको ये मानना पड़ेगा, खुदा का कलाम है, मानना पड़ेगा कि औरत की इबारत से निकाह हो जाता है। औरत की इबारत से निकाह, इस ख़ास का तकाजा यही है। अब हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि नहीं, औरत की इबारत से, औरत क्या चीज़ है, उसकी इबारत से निकाह नहीं होता। कहते हैं हदीस में आता है हुज़ूर ने फरमाया कि अय्युमा इमरातिन नकाहत नफ्सहा बगैर इज़्न वलीहा फनिकाहुहा बातिलुन बातिलुन बातिल। हदीस है कि जो भी औरत हो और ला निकाहा इल्ला बिइज़्न वली, इमाम शाफ़ी फरमाते हैं कि वली अकरब के इज़्न से ही, वली अकरब की इबारत से ही निकाह होगा। औरत ख़ुद अपना निकाह नहीं कर सकती है, हिजाब कबूल ख़ुद नहीं कर सकती है। समझ में आ गई है? देख लो, अगरचे बालिगा हो, अगरचे बूढ़ी हो, उसको ये अख्तियार ही नहीं है इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के मज़हब में कि वो खुद ब खुद ईजाब कबूल कर ले, कोई अख्तियार नहीं है। हमारे इमाम आज़म रहमतुल्लाह ने फरमाया कि भाई वो बालिगा है, आकिला है, हाँ, तो उसकी इबारत जो है वो सादिर है अन अहलिन, अहल से, वो इबारत की अहल है, वो तसर्रुफ़ की अहल है, उसको अपने आप के ऊपर गोया के तसर्रुफ है। जिस तरह आप मर्द आकिल बालिग हो जाए तो उसको अपने आप के ऊपर तसर्रुफ नहीं है, तो उसमें भी क्या है, अकल है और बुलूग है। समझ आइए, तो ये दो चीज़ें कि उस औरत में नहीं है जो बालिग हो जाए, लिहाजा वो अहल है इबारत का। जब वो अहल है तो इबारत सादिर है अन अहलिन, तो अहल से जब इबारत सादिर हो तो उसको लगव नहीं किया जाता, वो इबारत लगव नहीं होती। आई समय, लिहाजा उसकी इबारत मोतबर है शरान, लिहाजा निकाह चाहे ईजाब हो करे चाहे कबूल करे, निकाह हो जाएगा। हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह फरमाते कि नहीं, इसके मुकाबले में तो साफ हदीस है, हुज़ूर ने फरमाया कोई भी औरत अगर इज़्न वली के बग़ैर ख़ुद अपना निकाह कर ले
तो फनिका हुआ बातिल बातिल बातिल, निकाह बातिल। तो जब बातिल है तो हुआ किधर? इस हदीस को हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इस्तिदलाल में पेश किया। समझ में आ गई बात? अच्छा, अब जवाब आप जानते हैं हाँ कि जब ये ख़ास है और किताबुल्ला है तो ख़ास अपने मफहूम में क्या होता है? क़ती। अपने मदलूल में क्या होता है? उसकी दलालत क़ती होती है। समझ आइए। और हदीस क्या है? ख़बर वाहिद, पढ़ चुके हैं आप पहले। ख़बर वाहिद ज़न्नी है क्योंकि उसमें इनक़िता का इहतमाल है। समझ में आ गई है कि पता नहीं हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक इसका ईसाल जो है, सिलसिला जो है वो कैसा है। इसलिए ख़बर वाहिद क्या है? ज़न्नी। तो अब ज़न्नी इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ले आए हैं क़ती के मुकाबले में, तो अमल किस पर होगा? समझ आई। इसलिए फरमाया कि फ़लाई उतरकुल अमल बिही बीमार हुआ अन नबी सल्लम अयुमा इमरात नकाहत नफ्सा वगैरह ने वली हाफ निकाह हुआ बातुल बातुल बातुल। लिहाजा इस हदीस को सामने रख के ख़ास पर अमल नहीं छोड़ा जाएगा। समझाइए, तौफीक अगर नहीं हो सकती है तो ख़ास पर अमल करेंगे या हदीस को छोड़ देंगे। कायदा पहले आप पढ़ चुके हैं, अगर तौफीक हो सकती है तो दोनों में तौफीक कर देंगे, तौफीक नहीं हो सकती है तो यहाँ जो कि साफ बातिल का लफ्ज़ है हदीस में कि निकाह बातिल है, और कुरान की आयत से पता लगता है कि निकाह सही है, तो अब बातिल और उसमें क्या तौफीक करें? तजाद है। तो मैं आइए, लिहाजा हदीस को छोड़ दो और क़ती को अमल करो। समझ में आ गई ये बात? अच्छा, ये हुआ मसला। समझ गए इसको कि नहीं? ये बुनियाद है मसले की। हाँ, अब इसके ऊपर और जुज़वी मसाइल जो हैं वो मुतफर्रिअ हो गए। फरमाते हुए तफर्रुअ मिन्हु अल-खिलाफ़ु फ़ी हिल्लिल वत्यि व लुज़ूमिल महरि व नफ़क़ति व सुक्ना व वुक़ूउ अत-तलाक़ि व निकाहु बादा अत-तलाक़ाति अस-सलासि अला मा ज़हब इलैहि उलमा व अस्हाबिही। समझ आई? इससे मुतफर्रिअ हो जाएगा इन चंद मसाइल में इख्तिलाफ। हमारे नज़दीक औरत की इबारत से निकाह हो गया, इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह के नज़दीक निकाह नहीं हुआ, बातिल है। तो औरत ने अगर अपना निकाह खुद पढ़ा दिया, ईजाब कबूल में से कोई कर लिया उसने, तो हमारे नज़दीक तो निकाह हो गया। इमाम शाफ़ी के नज़दीक निकाह नहीं हुआ। अच्छा, तो अब हम कहते हैं कि जिससे उस औरत ने अपना निकाह कर लिया है जिस मर्द से, उसके लिए उसके साथ जिमा करना जायज़ है, उसकी बीवी। और इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह क्या फरमाएंगे? हराम है, निकाह ही नहीं हुआ तो अजनबी आए। आई समय में? अच्छा, व लुज़ूम अल महर व नफ़क़त व सुकना। हमारे नज़दीक चूँकि ये उसकी बीवी है और जिमा भी कर लिया है तो महर लाजिम हो गया, महर देना पड़ेगा। नफ़का और सुकना भी देना पड़ेगा, अखराजात खाने पीने के और एकोमोडेशन, ये सारी चीज़ें देनी पड़ेंगी क्योंकि उसकी बीवी है। और इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह के नज़दीक निकाह ही नहीं हुआ तो ये चीज़ें किधर से होंगी? आई समझ में? अच्छा, और हमारे नज़दीक उसको अगर वो तलाक़ दे दे वो शौहर, तो तलाक़ वाक़ हो जाएगी। इमाम शाफ़ी के नज़दीक पर आई औरत है, तलाक़ देने का क्या मतलब? समझ में आ गई ये? अच्छा, और तीन तलाक़ों के बाद अगर मर्द ने, उसी ज़ौज ने जिससे उसने ख़ुद अपनी इबारत से निकाह किया था, उस ज़ौज ने तीन तलाक़ें दे, तो अब दोबारा
हमारे नज़दीक उसके साथ उसी जौज का निकाह हो सकता है, और इमाम शाफी के नज़दीक अगर वली को ले आई, समझ में आ गई है, तो अब दोबारा निकाह, क्योंकि पहला वाला निकाह तो उनके नज़दीक हुआ ही नहीं, वो तो था ही नहीं, कल आदम था, तो अब जो निकाह होगा वो सही, और हमारे नज़दीक नहीं, समझ में आ गई है। अब तो मुगल्लज़ा हो गई ना, आला मा ज़हब इलैहि क़ुदमा व अस्हाबिही, हाँ, जैसे इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के मज़हब के जो क़ुदमा उनके फॉलोअर्स हैं, तो उन क़ुदमा का यही कौल है कि भाई ये नफ़ा नान नफ़ा वगैरह कुछ नहीं होता, समझ में आ गई है। बिखिलाफ़ मख्तारहुल मुताख़िरून मिन्हुम, हाँ, मुताख़िरीन ने अलबत्ता उनसे इस आखिरी मसले में इख्तिलाफ़ किया है कि निकाह जो है तीन तलाक़ों के बाद हो, वो भी कौल हमारा करते हैं कि निकाह नहीं होना चाहिए, हाँ, मुताख़िरीन, उनके मुताख़िरीन शवाफ़ी, क़ुदमा तो कहते हैं ठीक है, मुताख़िरीन कहते हैं अगर तीन तलाक़ उसने दे दिए ना तो निकाह नहीं होना चाहिए, क्यों? यार देखो, हज़रत इमाम आज़म का कौल भी तो देखो, उनके नज़दीक पहला निकाह हो चुका है, तो ये मसला है हिल हुर्मत का, तो एहतियात इसी में है कि तीन तलाक़ों के बाद दोबारा उसके साथ उसी ज़ौज का निकाला हो, तो एहतियातन उन्होंने ये कौल कर लिया कि उन्होंने शवाफी के मुताखिरीन ने कि भाई तीन तलाक़ों के बाद फिर निकाह उसके साथ हो नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए, इसका मतलब तो एहतियात, चूँकि वो मामले असल में फुकहा का एक कायदा है कि फुरूज के मामले में एहतियात है, एक एहतियात पर अमल करना चाहिए जिसमें एहतियात हो, दूसरा कायदा ये है कि जो चीज़ हिल हुर्मत के दरमियान में दायर हो जाए तो हुर्मत को तरजीह होती है, हुर्मत को तरजीह होती है, तो जब फुरूज का मसला है और फुरूज में उनका कानून ये है एहतियात का, तो अब एहतियात किस में है, समझ में आ गई है, तो इसलिए मुताखिरीन ने इस कायदे को लिया, ये नहीं है कि वो उन्होंने इमाम शाफी रहमतुल्लाह के मज़हब को छोड़ दिया, मज़हब को नहीं छोड़ा, सिर्फ उन्होंने कहा कि भाई बेहतर ये है कि एहतियात पर कौल किया जाए, और एहतियात इसी में है कि निकाह नहीं होना चाहिए तीन तलाक के बाद, समझ में आ गई बात, हो किताब समझ में आ गई है कि नहीं समझ आई, आ गई समझ, चलिए तर्जमा करें। वकज़ालिका, काफ़ मिसलिया है यानि मिसलु ज़ालिका, अब ज़ालिका का इशारा किसकी तरफ है, उसी खास की तरफ, ज़ालिका का इशारा किसकी तरफ है, हाँ, सलासा की तरफ या फ़रज़ना की तरफ, कि देखो जिस तरह सलासा ख़ास था मिसलु ज़ालिका उसी खास जैसा, वो जो खास पहले फर्ज गुजरा है या सलासा गुजरा है, तो उसी खास जैसा है कौलुहु ताला, अल्लाह तबारक व तआला का ये कौल कि हत्ता तन के हजौजन गैरहू, हाँ, ये जो कौल अल्लाह ताला का, इसमें तन के हा का जो लफज है, ये खासुन फी वजूद निकाह मिनल मरअत,